चलिए हम आपको एक बार फिर जन जागृति के लिए कुछ सूचनाएं भेज रहे हैं और कुछ लोगों ने आपको जन जागृति के लिए इस कोरोना नामक घातक बीमारी से बचने के लिए जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है हम आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि पूरे देश में अपना अगर पांव पसारा, हिंदुस्तान में भी अपना दस्तखत दिया, तो हिंदुस्तान में जिस तरीके से जन जागृति हुई है और लोगों में एक इस महामारी से लड़ने के लिए जो क्षमता कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने जो क्षमता दी है उसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं और लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। आगाह किस रूप में किया है? भगवान टावरे जी जो समाज सेवक हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी है आपके समक्ष। उन्होंने कहा कि इस घातक बीमारी से बचने के लिए आप अफवाहों में ना पड़े, आप खास करके अफवाहों का शिकार ना बने, आप दी हुई गाइडलाइन पर अपना काम करें ताकि आप इस महामारी से लड़ सकें। तो चलिए हम बात करते हैं भगवान टावरे जी से जिन्होंने आपको संदेश दिया है, पूरे देशवासी भी इसको सुन सकते हैं कि इस संदेश में उन्होंने आखिर में क्या आगाह किया है। चलिए सुनते हैं भगवान टावरे जी को। कोरोना वायरस ने जो कोहराम मचा कर रखा हुआ है, भिवंडी शहर के लिए क्या कहेंगे? आज जो पूरा देश में और पूरे वर्ल्ड में आज कोरोना वायरस ने जो कोहराम मचा दिया है और इससे सभी देशवासियों ने सबक लेना चाहिए। जो चाइना में हुआ, जो इटली में हो रहा है और जो हर देश में, आज भारत देश में भी कोरोना आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे, तो मैं सभी नागरिकों को निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री, जो राष्ट्रवादी के आरोग्य मंत्री है राजेश टोपे साहब और हमारे भिवंडी की महापौर प्रतिभा विलास पाटिल, जो भिवंडी शहर के लिए कर रहे, लोगों को जागरूक कर रहे, क्या आप कोरोना से बच के रहो, आप लोगों के संपर्क में मत आओ, जो गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रहे उस डायरेक्शन से हिसाब से सभी पब्लिक ने पेश आना चाहिए। पब्लिक को मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे मंत्री जी है राजेश टोपे साहब, उनकी माँ सीरियस होने के बावजूद भी वो पूरा महाराष्ट्र प्रदेश को, महाराष्ट्र के जनता को टाइम देकर वो अपना गाइडलाइन दिखा रहे। और आज मैं भिवंडी के महापौर जो प्रतिभा विलास पाटिल है, उन्होंने जो फवारनी के लिए यहाँ से शुरुआत की है, क्योंकि भिवंडी शहर के जो आबादी है ज्यादा करके कामगार लोगों की है। और मैं प्रशासन को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर में जो होटल चालू है, होटल में चाय बिकती है, चाय का ग्लास बार बार यूज होता है और उससे लोगों का संपर्क आता है। भिवंडी शहर में पान पट्टी की दुकान है, पान पट्टी बंद होना चाहिए क्योंकि पान खा के रोड पे थूका जा रहा है। तो इसके लिए मैं सभी नागरिक को भी बोलना चाहता हूँ क्या गवर्नमेंट अगर डायरेक्शन दे रहे, ट्रेन बंद हो रहे, तुम्हारे रिसोर्ट बंद हो रहे, होटल बंद हो रहे, तो लोगों ने इसको हल्के में नहीं लेते हुए मैं सबको नागरिकों को एक एक करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर अपने ऊपर ध्यान दे रहे, अपनी महापौर अपने ऊपर ध्यान दे रहे, हमारे राज्य के आरोग्य मंत्री अपने ऊपर ध्यान दे रहे, मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे, अलग अलग तरीके से डायरेक्शन दे रहे, तो मैं सभी नागरिकों को जागरूक करना चाहता हूँ कि उनके डायरेक्शन के हिसाब से अपन चलना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोग बाहर ना निकले और लोगों के संपर्क में नहीं आते हुए इसको होटल में भीड़ ना जमा करे, जहाँ जहाँ अपना सार्वजनिक ठिकाने वहाँ पे भीड़ नहीं जमा करते हुए अकेला नहीं निकलेगा तो अच्छा है, जरूरत है तो बाहर निकल के अपना दवा या कोई खरीदने के लिए हॉस्पिटल में जाने के लिए, ऐसा अगर है तो उसके लिए आएगा बाहर तो बात अलग है। अगर अपने बाजू में ऐसा कोई पेशेंट है तो इसका इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। हमारे भिवंडी शहर के महापालिके के कमिश्नर है, उनको इन्फॉर्मेशन दो, हॉस्पिटल में इन्फॉर्मेशन दो और भिवंडी में कैसा अपना कोरोना फैलेगा नहीं इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं फिर से भिवंडी शहर वासियों को, यहाँ के नागरिकों को हल्के में नहीं लेते हुए सभी ने अपना कोरोना का संपर्क कैसा नहीं होएगा लोगों से, इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं ये करना कहना चाहता हूँ क्या खुदा ना खास्ता भिवंडी शहर में नहीं आवे, क्योंकि
वैसे हालात नहीं है भिवंडी शहर में उसका इलाज करने के लिए, व्यवस्था नहीं है अपने पास, तो लोगों ने अपने से जागरूक होकर इससे कोरोना से लंबा रहना चाहिए, यही मैं विनंती करना चाहता हूँ।